बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री गहलोत सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम करीब 5 बजे एक अहम बैठक होगी। विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 3 वर्ष की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे विकास कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों की एक रिपोर्ट लेंगे। एक समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम 5 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शाम 5 बजे विकास कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को सचिवालय में 5 बजे मीटिंग लेंगे, और मीटिंग के अंदर जो तमाम IAS ऑफिसर था, CS निरंजन आर्य, होम डिपार्टमेंट के अधिकारी है और अन्य जो IAS अफसर था, जो तमाम विभागों के हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल में जो कार्य हुए हैं राज्य सरकार के, तो इनको लेकर लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी। इसके अंदर जो CS है निरंजन आर्य, वो कई बार बैठ के कर चुके थे। इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी अभय कुमार, वो भी मीटिंग कर चुके थे। तो लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी। इसके अंदर ये जो अधिकारी है, अन्य विभागों के अधिकारी है, उनसे ये मांगा जा रहा था कि कौन से विभाग के अंदर कितने कार्य है जो पूरे हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण होना चाहिए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी पेंडिंग है। तो पूरी ही जो है एक्सरसाइज है, जो लंबे समय से चल रही थी, ऐसे में अब जो तमाम रिपोर्ट्स है अन्य जो अलग अलग विभागों की है, वो यहाँ पे आ रही है। और आने के बाद में अब जो है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो तमाम IAS ऑफिसर थे, इनके साथ में बैठ के शाम को मीटिंग लेंगे। और इसके बाद में ये भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि 18 और 19 जो तारीख है उसके ऊपर जो सरकार के 3 साल जो है, तो उसको लेकर जो तमाम जो है लोकार्पण किए जाएंगे, और लोकार्पण को लेकर जो है क्या क्या जो किस किस विभाग में कौन कौन से लोकार्पण किए जाएंगे, वो आज जो शाम को मीटिंग के अंदर जो है क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मनीष जी ये भी ध्यान देने वाली है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अब चाहते हैं कि बचे हुए जो 2 साल हैं उनमें जो भी रुके हुए कार्य हैं, जैसे कि आपने भी बताया, या जो फिर लंबित हैं कोरोना कालखंड के दौरान जो पूरे नहीं हो पाए, उन्हें भी अब दुगनी तेजी से करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आदेश दिए हैं, और ये राजस्थान सरकार का जो जिस तरीके से मैनिफेस्ट होता है कार्य को लेकर कि 5 साल के अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो ऐसे में जो अभी जो मीटिंग हुई उनके अंदर ये बताया गया था कि 70% जो कार्य है जो वो पूरे हो चुके हैं, अब जो है 30% जो कार्य है वो होना बाकी है। तो ऐसे में जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनके जो लोकार्पण है वो यहाँ पे होंगे, और जो सरकार का जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल है, इसके ऊपर सरकार जो पूरे अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको कार्यकाल को मनाएगी, और उसके बाद में 3 साल के कामकाज की जो समीक्षा है, क्या कौन सा डिपार्टमेंट कौन से क्या कार्य जो अच्छे तरीके से किए गए हैं, इसके जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे समीक्षा करेंगे। इस जो समीक्षा बैठक है इसके अंदर यह भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से विभाग ने अच्छे कार्य किए हैं और कौन से विभाग ने अब तक जो है कार्य जो है अपने सही समय पर पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो विभाग है वो भी जो है क्लियर हो जाएंगे कि हर विभाग के अंदर किस तरीके से क्या प्रोग्रेस चल रही है। जी जी बिल्कुल मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत